फिशरीज वेलफेयर कमेटी का प्रतिदिन हूँ और ये टक्कर आज हमारा पपुल वेलफेयर कमेटी का सेक्रेटरी और जितना यहाँ करा है जितना यहाँ में पीछे करा है ये सब सब यहाँ हमारा सेंट्रल पपुल एग्जीक्यूटिव बॉडी है और यहाँ में ये यूथ लोग जो पीछे में है ये हमारा कमेटी का यूथ लोग है और आज का दिन में हम लोग ये हमारा पपुल वेलफेयर कमेटी हम लोग डिसाइड किया है आज 18 जुलाई को ये डिसीजन लिया कि हम लोग का कॉलोनी में ये आपका कोरोना वायरस का चलते हर सेक्टर में स्प्रेड हो रहा है बोल के ये मैसेज आ रहा है तो इसलिए हम लोग का पपुल वेलफेयर कमेटी डिसाइड किया कि हम लोग का कॉलोनी में भी हम लोग आज 18 से लेके जब तक कोरोना वायरस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक के लिए हम लोग यहाँ लॉकडाउन अपना कमेटी का तरफ से डिसीजन ले लिया है निर्णय ले लिया है और सारा दुकान को भी बंद कर दिया है तो इसीलिए हमारा सिटीजन से हमारा पपुल कॉलोनी का सिटीजन से और जितना जो आउटसाइडर है सभी से अपील है कि आज का ये कोरोना वायरस का चलते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कॉलोनी में आप लोग भी बेमतलब से बिना काम से बिना इमरजेंसी काम से यहाँ कॉलोनी में नहीं आना है और कॉलोनी का आदमी भी आप लोग बिना इमरजेंसी काम जरूरी काम नहीं होने से बाहर नहीं जाना है तो आज का दिन से आप लोग याद रखिए कि हम लोग कॉलोनी में हम लोग लॉकडाउन कर रहा है कमेटी का ओर से और सरकार से भी अपील है और जितना जो ड्यूटी करता है आपका जितना जो मेडिकलाइज है पुलिस फोर्स है सभी से हम लोग अपील है कॉलोनी में आप लोग भी मैंने ऐसा कोई कास्ट कंप्लेन नहीं होने से यहाँ में भी विजिट नहीं करना नहीं आना है ये रिक्वेस्ट था हम लोग का कमेटी की तरफ से और सारा दुकान को भी हम लोग आज बंद करवा दिया है बंद करवा दे रहा है और हम लोग ATM को भी बंद करवा दिया है अभी सब लोग अभी ATM का बहाना से बहुत लोग आना जाना करता था तो अभी टोटली हम लोग ATM को भी बंद कर दिया है तो इसलिए हम लोग अभी आज से हम लोग का जितना जो मेंबर है हम लोग राउंड अप करेगा कॉलोनी का विभिन्न कॉलोनी का अंडर में और यहाँ जितना भी पॉजिटिव आएगा कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा हम लोग सरकार को गवर्नमेंट को हम लोग इंफॉर्मेशन दिया जाएगा मेडिकल डिपार्टमेंट को और पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और सबसे और वंस मोर आपका कास्ट करके हमारा कॉलोनी का आदमी को रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ घर से बाहर ना जाए और ज़रूरी काम नहीं होने से और अपना घर में बैठिए और आप खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए क्योंकि ये कोरोना वायरस जो किसी को दिखाई नहीं देता है ये आज आदमी निकालने से आदमी चलने से चल जाता है इसलिए आप लोग ये कमेटी का डिसीजन को हम लोग का डिसीजन को आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए हमारा काम करके कमेटी कॉलोनी का सिटीजन को और बाहर का लोग से भी रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ यहाँ पपुल कॉलोनी में आना जाना मत कीजिए ये रिक्वेस्ट है थैंक यू क्या करें बोले अच्छा इन एडिशन ऑफ आवर प्रेसिडेंट कॉलोनी का प्रेसिडेंट से हम थोड़ा सा बोला जाए ये आज हम लोग का पप्पू हिल कॉलोनी ये सेक्टर हम लोग आज लॉकडाउन कर रहा है फिर ये हम लोग का यह कोविड-19 यह सिचुएशन से नॉर्मलाइज होने तक इसलिए हम लोग प्रिकॉशन ले रहा है इसलिए जितना बाहर में हम लोग का भाई बहन है माँ पिताजी है या कोई भी रिलेटिव है आप लोग भी यहाँ में पप्पू हिल में आने के लिए आप लोग यह कोशिश मत कीजिए आप लोग जहाँ में रह रहे हैं आप लोग कितने रखिए और क्योंकि हम लोग यह कोविड-19 के लिए अभी हम लोग का यह आस पास में पूरा यह पप्पू नोला पप्पू यह नाहरलगन और यह आपका प्रेस कॉलोनी अगेन यह आपका यह 2 किलोमीटर आजू बाजू में आ गया इस हिसाब से हम लोग लॉकडाउन कर रहे हैं आज से और ये जितना से ये हम लोग का रिलेटिव होने से भी आप लोग बाहर से आप लोग ये कॉलोनी में मत आइए आप लोग जहाँ में रह रहा है सुरक्षित में रखे और हम लोग भी लॉकडाउन करके हम लोग सुरक्षित में रहने के लिए कोशिश करेंगे तो इसलिए आप लोग कोई भी खराब नहीं पाना है अपना किचन किन
अपना भाई बहन जो भी हो, माँ पिताजी रिलेटिव से हो, आप लोग कोई भी आने के लिए कोशिश मत कीजिए। आप जहाँ में रह रहे हैं सुरक्षित में रहिए, और जितना रिलेटिव रिलेटिव से यहाँ में अपना भाई बहन माँ पिताजी होने से भी हम लोग का पप्पू हिल सेक्टर में यह आने के लिए आप लोग आए से मना है, इसलिए आप लोग आने के लिए कोशिश मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।